हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरीन इंस्टीट्यूट मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर एंड इट्स प्रोसीजर। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर होती क्या है, क्यों की जाती है और उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर की क्यों जाती है। बॉयलर में जब भी कुछ मेजर रिपेयर होती है लाइक वेल्डिंग और कोई भी हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग मीडिया के थ्रू बॉयलर को टेस्ट की जाती है, तो उसके बाद बॉयलर में कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है, तो इससे हमारा जो बॉयलर की इलास्टिसिटी नेचर होती है वो मे बी प्लास्टिसिटी नेचर बन जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा इफिशियंसी डाउन हो जाती है। तो इसलिए बॉयलर को ऑपरेशन में लाने से पहले हम उसकी टेस्ट करते हैं, जब भी कोई मेजर रिपेयर करने के बाद। लाइक सपोज अगर हम बॉयलर में मेजर रिपेयर करते हैं लाइक वेल्डिंग, लाइक कोई पाइप ज्वाइनिंग करते हैं और पाइप अटैच्ड करते हैं और ट्यूब अटैच्ड करते हैं और उसे हाई टेम्परेचर एक्सपांडेड वेल्डेड करते हैं और फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं और सील वेल्डिंग करते हैं, बिफोर बॉयलर को ऑपरेशन मोड में लाने से पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो हमारी हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर होती है और ये हाइड्रोलिकली टेस्ट की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसीजर क्या है और ये कैसे टेस्ट होती है। प्रोसीजर पढ़ने से पहले मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करना चाहूंगा। अगर हम बात करें जो मॉडर्न टाइप ऑफ बॉयलर होती है, जिसकी प्रेशर जो होती है 690 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ग्रेटर होती है प्लेटिंग प्रेशर, तो उस कंडीशन पे जो हमारी हाइड्रोलिक टेस्ट होती है, जो हमारी हाइड्रोलिक टेस्टिंग होती है वो हमारी 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर होती है, इक्वल टू 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर होती है। सपोज कोई बॉयलर है, उसकी डिजाइन प्रेशर सपोज पी है, तो उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग जो होगी वो हमारी 1.5 इंटू पी प्रेशर होगी। मींस 1.5 टाइम्स हम लोग हाइड्रोलिकली प्रेशराइज्ड करते हैं और हमें इसे पता चलता है उसकी इलास्टिसिटी नेचर है या नहीं। तो ये हमारी एक लो है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। जनरली हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर सर्वे के टाइम भी होती है। अब हम आते हैं हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर एंड इट्स प्रोसीजर, मींस प्रोसीजर पर आते हैं। हमने देखा हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर क्यों की जाती है, इसकी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर्स की। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर हमारी यह है, मेक श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट इनसाइड द बॉयलर। सपोज अगर कुछ हमारी मेजर वर्क हो रही है बॉयलर पे, लाइक अगर वेल्डिंग हो रही है, तो वेल्डिंग हो रही हो तो वहां पर कुछ वेल्डिंग इक्विपमेंट्स होगी, लाइक इलेक्ट्रोड्स होगी एंड अदर वेल्डिंग इक्विपमेंट्स होगी। तो बी इंश्योर दैट बिफोर हाइड्रोलिक टेस्टिंग से पहले हमारा जो भी एलिमेंट हो, इलेक्ट्रोड्स हो और अदर वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हो, वो क्लियर होनी चाहिए। मीन्स नथिंग इज लेफ्ट इनसाइड द बॉयलर, मीन्स बॉयलर क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, अंदर से कोई भी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यह हमारा फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अब हम आते हैं अपना सेकेंड प्रोसीजर पे। सेकेंड प्रोसीजर हमारा ये है, जो बॉयलर जो होनी चाहिए वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए वाटर से। जो भी हमारी पंप के थ्रू जो हम वाटर फीड करेंगे बॉयलर में, वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए वाटर से। कोई एयर इंट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए बॉयलर के अंदर, बिकॉज जो एयर जो होती है वो कंप्रेसिबल नेचर की होती है और हमारा वाटर जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल नेचर की होती है। सो बी इंश्योर दैट नो एयर इज इंट्रैक्ट इन द बॉयलर और इनसाइड द बॉयलर। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जो भी हम बॉयलर सेल को, जो बॉयलर को पूरी कंप्लीटली फिल करेंगे वाटर के साथ, और जो वेंट वाल्व जो होगी वो ओपन रखेंगे। अगर वेंट वाल्व से अगर हमारी वाटर अगर बाहर आती है, तो इससे हमारा पता चलता है कि कोई भी एयर बॉयलर के अंदर इंट्रैप्ड नहीं है। तो ये हमारी
सेकेंड प्रोसीजर हुई। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोसीजर की। मैंने बात किया था जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर होती है वो 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर होती है। तो बिफोर रेजिंग द प्रेशर, प्रेशर रेज करने से पहले जो भी हाइड्रोलिक टेस्टिंग कर रहे हैं, जो 1.5 इनटू डिजाइन प्रेशर्स कर रहे हैं, अब हमारा टाइम आता है प्रेशर रेज करने का। बट प्रेशर रेज करने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बॉयलर सेल है, मीन्स अगर ये हमारी बॉयलर सेल है तो उसकी जो है हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे, उसकी जो है सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे और मार्क करेंगे और नोट करेंगे। इस समय यह पता चलेगा कि इनिशियल पोजीशन पर बिफोर हाइड्रोलिक टेस्टिंग होने से पहले उसकी सरकमफ्रेंस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है सरकमफ्रेंस मेजर करना बिफोर रेजिंग द प्रेशर। प्रेशर रेज करने से पहले हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे। अब हमारी फोर्थ प्रोसीजर ये है जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग जो होती है, अब हम वो करेंगे जो हमारी 1.5 इनटू डिजाइन प्रेशर होती है, 1.5 इनटू डिजाइन प्रेशर होती है। अब हमारा बॉयलर के अंदर हाइड्रोलिकली प्रेशर जनरेट हुई है और जो 1.5 इनटू डिजाइन प्रेशर है, अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ प्रोसीजर हमारा ये है, जहां वेल्डिंग हुई है, लाइक जहां भी कुछ अटैचमेंट हुई है, जहां वेल्डिंग हुई, लाइक जो भी सील वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग, जिस तरह की भी वेल्डिंग हुई है, नॉर्मल वेल्डिंग भी हुई है, तो वहां पर अब हम क्या करेंगे, हैमर के थ्रू हिट करेंगे। और इससे यह पता चलेगा अगर वहां पर कुछ डिफेक्ट होगी या कुछ लीकेज होगी तो वाटर जो है वो लीक करेगी। तो इससे ये पता चलता है जो हम लोगों ने वेल्डिंग किया है वो वेल्डिंग करेक्ट है या नहीं, या वहां कुछ डिफेक्ट है या नहीं, वो या वहां कुछ क्रैक है या नहीं। तो जो हैमर के थ्रू जो वेल्डिंग पॉइंट पर होगी वहां हिट करेंगे। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर थी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसको बोल सकते हैं नोट पार्ट है ये, सॉरी, जो हम हाइड्रोलिक टेस्टिंग किए हैं, अगर ये हम कोल्ड वाटर से किए हैं, बट अगर हॉट वाटर है तो और ज्यादा ये एफिशिएंट होगा, क्योंकि जो हॉट वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर जो होती है वो लेस होती है डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर। तो यहां पर मैं हॉट वाटर की बात क्यों किया, मींस हम जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो वाटर के थ्रू कर रहे हैं, हाइड्रोलिकली हो रहे हैं। तो जो वाटर है, अगर हम हॉट वाटर लेते हैं तो और बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने जो आपको फिफ्थ पॉइंट बताया, लाइक जो वेल्डिंग पॉइंट पे होगी वहां हम हीट करेंगे, और उससे क्या होगा, अगर लीकेज हो रही हो तो वाटर खुद वहां से लीक होगा, या क्रैक होगी तो वाटर खुद वहां से लीक हो जाएगी। सपोज अगर हमारा हॉट वाटर है अंदर बॉयलर के अंदर, अगर हमारा हॉट वाटर है तो इससे क्या होगा, हॉट वाटर की डेंसिटी कम होती है और कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हॉट वाटर बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी वो इजीली, अगर कुछ क्रैक्स होंगी तो वो इजीली बाहर आएगी। तो इसलिए अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हॉट वाटर ही हाइड्रोलिक टेस्टिंग में आप यूज करें। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा सिक्स्थ पॉइंट की। जो प्रेशर जो मैंने ये डेवलप किया है उसे लगभग 30 मिनट्स तक हमें टेस्ट करनी है, मींस मेंटेन प्रेशर एट अबाउट हाफ एन आवर। इस प्रेशर को हम हाफ एन आवर मेंटेन करेंगे और जो भी हमारी जॉइंट्स है, जो भी हमारी सीम्स है, जो भी हमारी वेल्डेड पार्ट्स है, हम उसे सर्वे करेंगे और उसे टेस्टिंग करेंगे और हम हर पार्ट में क्रैक्स की इंस्पेक्शन करेंगे, और ये हमारा 30 मिनट्स में हम चेक करेंगे। तो हमारा 30 मिनट्स तक ये जो है हमारा प्रेशर डेवलप रहेगी, ठीक। ओके, अब नाउ जो 7 पॉइंट है, अब हम फिर से सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे बॉयलर की। जो हमारा बॉयलर सेल है अब उसकी फिर से हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे। ओके, जो 30 मिनट्स के दौरान फिर से हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे। ओके, नाउ 8 पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, अब हम आफ्टर 30 मिनट जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग जो है, जो 1.5 इनटू डिजायर्ड प्रेशर है, अब हम उसे
डीप्रेशराइज करेंगे। ओके, अब हम उसे डीप्रेशराइज करेंगे। इसके बाद बॉयलर सेल की अगेन हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे। अगर सरकमफ्रेंस में अगर हमारी एक्स है और कुछ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर कुछ इंक्रीमेंट हुई है, तो इसका मतलब यह है जो इलास्टिसिटी नेचर थी वो प्लास्टिसिटी नेचर में कन्वर्ट हो चुकी है एंड अब ये यूजफुल नहीं है। ओके, अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, इलास्टिसिटी अगर प्लास्टिसिटी नेचर में हुई है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हमारी डीप्रेशराइज करने के बाद हम फिर से सरकमफ्रेंस चेक करेंगे। अब इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी हमारा वो होता है जो भी हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और आफ्टर स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव करने के बाद जो भी हमारा एलिमेंट है, वो जो भी हमारा जो वस्तु है वो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पर अगर आ जाती है तो हमारी इलास्टिसिटी नेचर होती है। और प्लास्टिसिटी नेचर जो होती है वो इरिकवरेबल होती है। मीन्स अगर हम कुछ स्ट्रेच कर रहे हो तो वो क्या होती है, वो फिर से रिकवर नहीं होती है, वो इरिकवरेबल नेचर की होती है विदाउट डिफॉर्मेशन। तो हमारा ये ग्राफ भी मैंने बनाया हूं, मीन्स यहां तक अगर बॉयलर की कंडीशन है, ओके, तो ये हमारी इलास्टिसिटी नेचर होती है। अगर इस कंडीशन में अगर बॉयलर आती है तो हमारी प्लास्टिसिटी नेचर होती है एंड इस पोजीशन पे ये एक्सेप्ट नहीं की जाती है और इस पोजीशन पे वो एक्सेप्टेबल होती है, उसकी इलास्टिसिटी नेचर होनी चाहिए। तो मैं बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व के थ्रू मैंने आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी समझाया। मीन्स जो डीप्रेशराइजेशन के बाद जो होनी चाहिए, जो बॉयलर की जो होनी चाहिए वो इलास्टिक लिमिट में ही होनी चाहिए। मीन्स वो स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव करने के बाद भी वो रिकवरेबल हो। बट अगर हमारा ऐसा कंडीशन आता है, प्लास्टिसिटी जोन में चल जाती है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ओके, तो ये हमारी आज की वीडियो थी हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ बॉयलर एंड इट्स प्रोसीजर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस रोज लाता हूँ और आप रोज ऐसी टेक्निकल वीडियोस सीखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।